गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, श्री मनसुख भाई मांडवीय, आर पाटिल जी, टी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा और महापौर डॉक्टर जगदीश जी पटेल और मारुति वीर जवान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नानू भाई सावलिया, श्री मधुर भाई सवाने, श्री सुभाष सिंह जी धवन और संस्था के सचिव श्री सी पी बनाड़ी जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सूरत शहर में भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे शहीदों के परिवारों का सूरत की जनता के द्वारा इतना भव्य स्वागत किया जाएगा या सम्मान दिया जाएगा, यह मैंने कभी कल्पना नहीं की। और अब जिन्हें मैं संबोधन करने के लिए अनुरोध करने जा रहा हूं, उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट आतंकवाद विरोधी मोर्चा के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा एक प्रखर देशभक्त एवं साहसिक सैनिक है। पंजाब में जन्मे श्रीमान बिट्टा भगत सिंह से काफी प्रभावित रहे और उन्हीं की तरह जीने का निर्णय किया है। आप अपने फ्रंट के बैनर तले सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। आप मुख्य रूप से शहीद सैनिकों और आतंकवादी घटना में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए काम करते हैं। साथ ही आप देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी तरह तरह की मुहिम चलाते रहते हैं। आज यहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित एवं उनके साथ संवाद करने के लिए श्रीमान MS बिट्टा जी से मैं अनुरोध करता हूँ। माननीय श्रीमान MS बिट्टा जी, इन परिवारों को किसी का पिता, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का भाई या मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आपकी रक्षा करते हुए, बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए, अपने बच्चों की रक्षा करते हुए जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या कहता है वो जवान, एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पेट उठा रखी है। फिर भारत माता की सीमाओं की रक्षा होती है। सबसे पहले मैं मारुति वीर जवान ट्रस्ट नानू जी का और पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, भारत मां की कसम खा करके, आप लोगों के अंदर जो सूरत की धरती का ये खून से लथपथ पानी, पवित्र पानी जो आपके अंदर जज्बा पैदा करता है, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है, यह इस धरती में और आप में है। और आप लोग इस देश की वो नींव है, इस देश की वो पवित्र जड़ है जो हमारे भारत पूरे राष्ट्र को मजबूती से खड़ा रखती है। हम तो उधर के लोग इधर बोझ हैं इस धरती पे, आप लोग एक शक्ति और ताकत हैं और ये सामने वो शक्ति और ताकत है। मेरे भाइयों, सरदार पटेल जी का अगर सपना पूरा हुआ है, जिनका सपना अधूरा था, जिन्होंने राष्ट्र को एक किया, रजवाड़ा सिस्टम को खत्म किया, और वो चाहते थे कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, पर उसका उसका सपना किसने पूरा किया? गुजरात की धरती, गुजरात की ताकत, गुजरात का लोगों ने, ऐसे वो जाबाज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को खड़ा किया, जिन्होंने कैंसर की बीमारी उखाड़ करके, सदा के लिए समाप्त करके इस राष्ट्र को एक कर दिया। संविधान एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा एक, भारत एक, राष्ट्रगान एक। अब संविधान एक होगा, अब राष्ट्रगान एक होगा, अब झंडा एक होगा, अब जनगण मन एक होगा, प्रथम राष्ट्र होगा, ना हिंदू ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, प्रथम राष्ट्र होगा। ये आजादी मिली है हिंदुस्तान को,
पहले हमारा भारत आजाद नहीं था, आज हमारा भारत आजाद है। ये पाकिस्तान हमें धमकियां देता है, वो भी नरेंद्र मोदी के होते हुए, और पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ये हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान जो हमें धमकी देता है। कहना चाहूंगा पाकिस्तान को, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, ये वो पाकिस्तान। पहले हम कहा करते थे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, हम कहते थे, हाँ राजधानी है, पर मेरे से अगर कोई सवाल पूछता है, हिंदुस्तान वो भारत माता जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जहां जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिनका इस धरती पे खून बहा, आज अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो गुजरात की धरती पे जाना जाता है। और आने वाले इतिहास के अंदर, आने वाले इतिहास के अंदर गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़े लोग कहते हैं कि गुजरात के लोग फौज में नहीं है, गुजरात के लोग सुरक्षा में नहीं है। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, सीमाएं पंजाब के साथ भी पाकिस्तान की लगती है, सीमाएं कश्मीर की भी लगती हैं, कश्मीर राजस्थान भी लगती हैं, वहां आतंकवाद आता है, सीमाएं गुजरात की साथ भी लखपत पाकिस्तान की लगती हैं, पर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि गुजरात की तरफ एक गोली भी चला दे। आपने हमें एक बहादुर लोह पुरुष योद्धा दिया था जिसका नाम था सरदार पटेल, और उसके बाद जो दो योद्धे दिए जिसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका इतिहास सुनहरी पन्नों में लिखा जाएगा। यह सूरत की धरती कई बार अपने व्यापार में पीड़ित हो सकती है, व्यापार में तकलीफ हो सकती है, पर जब उसके सामने प्रथम राष्ट्र, इस राष्ट्र के ऊपर कभी बाढ़ आ जाए, इस राष्ट्र के ऊपर कभी भूकंप आ जाए, इस राष्ट्र के ऊपर बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए कोई मदद की बात आ जाए, उस वक्त सूरत की धरती गुजरात का व्यक्ति उन चीजों को भुला करके ये कहता है, मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा पर इन बेसहारों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। ये आपकी धरती है मेरे भाइयों। पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, क्या देखता हूं, पीड़ा होती है, 100 रुपए का मोमेंटो और 70 रुपए की शाल देके फोटो खिंचा के इन शहीद परिवारों का हम अपमान कर देते हैं, पर यह धरती कहां कहां से, मणिपुर, कहां बंगाल, कहां दार्जिलिंग, कहां पंजाब, कहां बिहार, इस मरुति वीर जवान ट्रस्ट ने, ननू भाई ने पूरी कमेटी में ला के आपके सामने इस धरती को पवित्र कर दिया। और याद रखिएगा, आने वाला इतिहास अब किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, अब कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में खून से लथपथ उसकी लाश नहीं आएगी। आज मेरी बहनों के सुहागों की रक्षा होगी, क्योंकि कश्मीर के अंदर 370 धारा हटा करके उस कैंसर की बीमारी को सदा के लिए खत्म कर दिया। अब बात होगी तो ऑक्यूपाई कश्मीर भी होगी, वो लेके रहेंगे। सरदार पटेल जी का सपना, अब वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। आप लोगों को मैंने इसी धरती पे कहा था
370 धारा हटेगी और आज वो हटी है। और आने वाले वक्त के अंदर आपको ये आपने गाना सुना होगा बचपन के अंदर, आंखें पिक्चर का, वो आंखें पिक्चर का बहुत अच्छा गाना था। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगाह कार है आंखें। आज इस मुल्क की सरहदों पे आज नरेंद्र मोदी की आंखें काम करती हैं, गुजरात के हर व्यक्ति की आंखें काम करती हैं, क्योंकि आपने ही उनको बना के भेजा है। मैं को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। मैं सिख हूं, गुरु गोविंद सिंह की फौज का सिख हूं, पर अगर मेरे से मेरा धर्म पूछे मेरा धर्म क्या है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। कभी दोबारा बम्बों गोलियों से मेरी मौत आए तो भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूं, मातृभूमि के चरणों में मुझे इतना सा वक्त दे देना, आखिरी वक्त मेरे मुंह से यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और बम गोली खाता हुआ आपके लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए अपना जीवन उसके चरणों में दे दूं। मैं बोनस की जिंदगी जीता हूं, 15 बार हमले जलने के बाद शरीर में लोहा है, पर आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की ताकत, मेरी बहनों की ताकत, वो मुझे एक जज्बा देती है। मेरे शरीर में दर्दें होती हैं, पर वो दर्दें फूलों की तरह लगती हैं, क्योंकि मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, मेरे लिए बहनों की सुहागों के लिए मेरा एक कर्म है। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपको यही कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने एक जज्बे के साथ 70 साल की बीमारी को खींचा है, उसकी रक्षा अब आप करेंगे। अकेले नरेंद्र मोदी जी का काम नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि उस सिस्टम को आगे तक लेके जाना। आने वाले वक्त के अंदर किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा यतीम ना हो। और मैं यही कहना चाहूंगा पाकिस्तान को कि एक गोली अगर पाकिस्तान के तरफ से चलती है ना, तो 100 गोली का जवाब दिया जाएगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। उस कश्मीर की तरफ कोई देख नहीं सकता। सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। अरे बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानू है। अरे कश्मीर की, पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? ये इमरान खान, इसकी हिम्मत नहीं है, यह खुद ऑक्यूपाई कश्मीर देगा। ये नानू भाई हैं जी आपके सामने, आपका फर्ज बनता है, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये कोई राजनीति में नहीं है, आपका सबका फर्ज बनता है और आप पूरा करते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आप आम लोग हैं। ये संस्था जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, ये गुजरात की धरती और सूरत को एक इतिहास के पन्नों में लिखा रही है उसका नाम। और आखिर में मैं फिर आपसे वादा करके जाता हूं, उन आतंकवादियों के लिए कभी भी हमले करें, हम उसका जवाब देंगे। और उनको यही कहते रहेंगे, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में वंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिर में चीख भी निकलेगी, निकलेगी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तेरे जुनून से तू आसमां पे इंकलाब लिख दे अपने खून से, जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो वतन की राह में, वतन के नौजवान शहीद हो। फिर से एक बार उपस्थित शहीद परिवारों के प्रति संवेदना एवं स्नेह और साथ में सम्मान प्रकट करते हुए हम सभी मैं चाहूंगा कि ये जय घोष जो हम कराते हैं उसकी जगह पे अब इस बार आप जय घोष कराएं, एक साथ सब मिलके बोलेंगे शहीदों, शहीदों,
शहीदों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। बोलो बोलो भारत माता के, भारत माता के जय।